नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले स्तर पर होने वाले पत्रकारों के हित में पत्रकार विकास परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह 20 मार्च दिन शनिवार को सुनिश्चित हुआ है। पत्रकारों के इस महाकुंभ में देश प्रदेश के हर कोने से आने वाले लोगों की लिस्ट आने लगी है और इस राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह की गतिविधियों और दूर दराज से आने वाले अतिथियों के ठहराव और रूट प्लान की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी डीके मिश्र ने पदाधिकारियों के साथ खागा नगर का भ्रमण कर निरीक्षण किया और राष्ट्रीय सचिव डीके मिश्र ने फतेहपुर जिला अध्यक्ष संजय पटेल से बड़ी ही बारीकी से कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए साईं राम रेस्टोरेंट बाईपास खागा में भोजन करने के पश्चात कानपुर आगरा सागर होते हुए बॉम्बे तक के टूर पर निकले हुए। आप लोगों को बताते चलें कि पत्रकार विकास परिषद से जुड़े लोगों के हित और पत्रकारों के उत्पीड़न पर विशेष रूप से विचार करते हुए फतेहपुर जिले के जिलाध्यक्ष संजय पटेल को राष्ट्रीय सचिव डीके मिश्र ने पत्रकार विकास परिषद का बैच लगाकर स्वागत किया और इस कार्यक्रम के लिए फतेहपुर जिला अध्यक्ष संजय पटेल द्वारा यह कार्यक्रम करवाने के लिए राष्ट्रीय सचिव डीके मिश्र से मुलाकात कर राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी से मिले और फतेहपुर जिले के खागा कस्बे में राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह कराने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसमें पूरे देश प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार संपादक और अधिकारियों सहित पत्रकार विकास परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसमें आने वाले अतिथियों का हौसला अफजाई करने के लिए पत्रकार विकास परिषद फतेहपुर जिले की पूरी टीम स्वागत के लिए तत्पर है। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट, ब्यूरो संजय पटेल की रिपोर्ट फतेहपुर से। हमारा बस यही मकसद है, कोई कहे या ना करारों की लड़ाई लड़ रहा है बात से और हमारे तो काफ़ी मौत हो जाएगी क्योंकि वो तमाशा बना मैं लेकर देने गया। भैया पानी एक तो